हेलो गाइज, आज मैं आपको ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन सिखाऊंगी। ये हमारी साड़ी है, इस ब्लाउज की इसकी मैचिंग का ये ब्लाउज है, तो इस पर मैं इस कलर का आपको डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही इजी है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है, आप ध्यान से देखना। ये लेस है जो रेडीमेड, ये मैंने पाइपिंग ली हुई है, और ये पेस्टिंग वाली बुकरम है जो चिपकने वाली है। ये हम नेक कट करेंगे 2.5 इंच का, हमने ये इसका जो ब्रॉडनेस है वो ले लेनी है, और इसकी लेंथ हमने 9 इंच की तैयार रखनी है। तो उस हिसाब से एक बार हम इसमें शेप बना देंगे, ये हमने शेप बना लेनी है, और उसके बाद हम अपनी मर्जी से इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से इसमें ये डिजाइन बना रही हूँ। ये हमने यहाँ से कट कर लेना है, पहले हम इसको कट कर देंगे, फिर इसको कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा नेक कट कर तैयार हो गया है, अब हम इसको रेड कपड़े पर चिपका लेंगे। ये पेस्टिंग वाली हमने बुकरम ली थी, तो इसको हम लाल कपड़े पर चिपका के मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने चिपका लिया है, अब हम इस पर जो ये पाइपिंग लगाएंगे उसके लिए पहले हमने एक सिंपल सा तरीका है, जो हमने ये चिपकाया हुआ कपड़ा है ये बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमें गाइडलाइन मिल जाए जब हम इस पर पाइपिंग लगाएं। इस पर हम घूम पाइपिंग लगाएंगे, हमने सिलाई दोनों तरफ लगा लेनी है, पूरे गले पर हम ये सिलाई लगा देंगे इसके साथ साथ, बुकरम के साथ साथ। ये हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, बाहर भीतर। अब हमें इस पर आपको और ये किए हमने सिंगल जो इसका पंजा होता है वो चढ़ा लेना है, और अब इसके साथ साथ जो हमने सिलाई लगाई थी इसके साथ साथ हमने ये पाइपिंग लगाते हुए चलना है। ये हमने इस तरह से यहाँ पर पाइपिंग लगा ली है, सेम इसी तरीके से हमने पूरे नेक पर ये पाइपिंग भी लगा लेनी है ऐसे ही। ये हमने जितने भी कॉर्नर है उसमें कट लगा लेना है ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब और फिर इसको ये हमने ब्लाउज का बैक वाला हिस्सा लिया है, ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये उल्टा है, इस पर उल्टी तरफ हमने नेक को रख देना है ऐसे, नेक भी उल्टा और ब्लाउज का जो हिस्सा है वो भी उल्टा। अब हम इसको यहाँ एक बार इसका ताकि हमारा सीधा लगे यहाँ पर कट लगा लेंगे, और नीचे भी क्रीज बना लेंगे या निशान लगा लेंगे, जो नोक है हमारी उसकी सीध में ही बिल्कुल सेंटर में हमने ये निशान लगा लेना है। उसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और कट करके वापस पलट देंगे। ये हमने सेंटर में सिलाई लगा ली है ताकि हमारा नेक ही लेना, और अब हमने जो यहाँ पर पाइपिंग लगाई थी उसी के साथ साथ हमने ये सिलाई लगाते हुए चलना है, हमारी ये पाइपिंग घूम निकल के आएगी। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको बीच से काट देंगे और कट लगाएंगे, छोटे छोटे कट लगाने हैं, सिलाई ना कटे ध्यान रखें। इस तरह से पलटते हुए हमें सिलाई लगा देनी इसके साथ साथ, ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, इसके साथ हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर भी ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हमने इस तरफ भी सिलाई लगा देनी है, हमने जो ये कपड़ा इस तरह रखा था इसको अंदर की तरफ करते हुए पूरे नेक पर इसके साथ साथ सिलाई लगा देनी है। ये हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है, ये हमने बैक पैक हिस्से पर दिखाया जो हमने ये पाइपिंग का तरीका आपको बताया है। तो ये तरीका आप पूछते हो कि मतलब गुम पाइपिंग कैसे निकालते हैं, आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हो। और ये हमने इसकी साड़ी है, इसकी मैचिंग के साथ हमने ये डिजाइन बनाया है। ये डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, बिल्कुल सिंपल इजी सा डिजाइन है, आप इसको बना सकते हो। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है
प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर।